हेलो गाइस, माय नेम इज नितिश, आई एम फ्रॉम पंजाब नवांशहर। आज मैं शिमला घूमने के लिए जा रहा हूँ और चलो आप लोगों को टूर कराता हूँ शिमला का। दिस इज़ माय फर्स्ट ब्लॉग। होप गाइस आप लोग मुझे पूरा सपोर्ट करेंगे, ठीक है? थैंक यू। चलो फिर चलते हैं शिमला। तो हम लोग पहुंच चुके हैं 43 सेक्टर में, चंडीगढ़ 43 सेक्टर में। यहाँ से हम सीधा रेलवे स्टेशन के लिए जाएंगे और नवांशहर से बस का किराया यही कुछ पंजाब रोडवे का 130 लगा है हमारा, तो ठीक है, अच्छा है, सफ़र अच्छा रहा। अभी आपको हम आगे भी लेके चलते हैं। देख लीजिए, ये 43 सेक्टर है, बस स्टैंड है, तो जल्दी आपको आगे भी लेके चलते हैं, ठीक है? और गाइस, यहाँ पे ना मेन बात तो ये है कि थोड़ी धूप है, धूप की वजह से गर्मी बहुत है। और ये मेरे दोस्त है, हम दोनों बंदे हैं जो अपने शिमला के लिए जा रहे हैं। तो इसका नाम साहिल है, पता? वही तो मैं बता रहा हूँ, तुम समझते नहीं हो ना। तो ठीक है, जहाँ से हम बस लेंगे, बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन के लिए, तो देखते हैं क्या होता है। तो गाइस, हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं 60 नंबर काउंटर पे, और 60 नंबर काउंटर पे हमें जो है वो बस मिलेगी यहाँ से सिर्फ सीधा कालिका के लिए। तो आप लोग चाहो तो सीधा कालिका के लिए निकल सकते हो, जहाँ से आपके 50 रुपीज़ लगेंगे कालिका के लिए। अगर आप सीधा बस स्टेशन पे जाते हो तो वहाँ पे आपको पहले इधर के 25 देने पड़ेंगे बस ऑटो के, और उसके बाद बस स्टैंड से कालिका जाने के लिए फिर आपको देने पड़ेंगे मे बी 30 लगते हैं आगे जाने के लिए। तो इससे बेटर यही होगा कि आप बस से सीधा कालिका स्टेशन पे पहुंच जाए, वहाँ से आप जम्मू के लिए, सॉरी कश्मीर के, सॉरी शिमला के लिए ले सकते हैं। गाइस, आप जहाँ से देख सकते हैं बोर्ड में ऐसे लगे होते हैं 43 सेक्टर में, आपको कहाँ से बस मिलेगी आप इधर से जाके पता कर सकते हो। अदरवाइज तो हमारे प्लान वगैरह में थोड़ा चेंज आ गया है, तो हम लोग सीधा कालिका नहीं, सीधा चंडीगढ़ बस स्टैंड रेलवे स्टेशन जा रहे हैं। सिर्फ चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पे जाएंगे तो वहाँ से हम लोग कालका जी के लिए ट्रेन पकड़ेंगे। कालका के लिए जो बस लगनी थी वो उसका टाइमिंग वगैरह का थोड़ा पता नहीं चला, तो मतलब कि बहुत लेट हो रही है हमारी बस। ट्रेन भी है ना जो 10:15 वहाँ पे आ जाएगी रेलवे स्टेशन पे, इसलिए हमें जल्दी से जल्दी पहुँचना ही पड़ेगा। तो हम लोग बस में बैठ चुके हैं, जहाँ बस स्टैंड से आप लोग 240 या 241 नंबर के काउंटर से बस पकड़ लेना, वो आपको सीधा जो है ना वो रेलवे स्टेशन पे उतार देगी, तो वहाँ से आप सीधा बस ट्रेन कर सकते हैं। हेलो गाइस, बस चल पड़ी है, हम थोड़ी देर में स्टेशन पहुँच जाए। देख लीजिए, व्यू बहुत अच्छा है और मौसम भी बहुत अच्छा है। हेलो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन और अभी बस से उतरे हैं, बस इधर पास में ही है, नज़दीक में बस स्टैंड। तो वह हमें आधा पौना घंटा लग ही चुका है आने में, एक घंटा। देखो ये बोल रहा है एक घंटा लग गया, बताओ उनको कितना घंटा? एक घंटा लग गया है। तो अभी बस स्टैंड, सॉरी रेलवे स्टेशन पे पहुँचे, आगे हमें वहाँ से सीधा देखते हैं शिमले के लेते हैं। आपको शिमले की भी वहाँ से सीधी मिल जाएगी, अगर आपको कालका जी से होकर जाना है तो कालका जी से होकर आप जा सकते हैं। कालका जी के आपके 30 रुपये लगेंगे, वहाँ से आप यहाँ से सीधा कालका जी पहुँच के वहाँ से आप शिमले की ले सकते हैं। और हम लोग देखते हैं कहाँ से जाते हैं, फिर आप आपको बताएँगे, ठीक है? ओके, बाकी देख लीजिए रेलवे स्टेशन कैसा है। अच्छा अच्छा ही है,
ठीक है सब कुछ अच्छा तो दिख रहा है। और कैसा चाहिए व्यू वगैरह आप देख सकते हैं, नॉट बैड। रही बात गर्मी, गर्मी बहुत है, सच्ची कह रहे हैं गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। आप शॉर्ट्स पहन कराना चाहिए, शॉर्ट्स पहन सकते हैं जो मर्जी पहने, जैसा आप खुद ही बता दीजिए। ओके देखो हमने उसको भेज दिया टिकट लेने के लिए, अब वो जब वहाँ पर जाके टिकट काउंटर पे टिकट लेगा। अब देखते हैं कालका की लेता है या फिर शिमले की, आकर ही पता चलेगा उसका। तो गाइस हमें टिकट मिल गई है और कालका की टिकट मिल गई है हमें, वहाँ से हमें शिमले की टिकट लेनी पड़ेगी पूरी पूरी, ठीक है। तो आपको शिमले का टूर करवा देंगे वहाँ से, आप लोगों को भी जान मिलती नहीं जान से क्या नहीं, वहाँ से आपको लेनी पड़ेगी जहाँ से नहीं मिलती है। चलो आपको बताता हूँ, ठीक है। गाइस हम लोग एकता एक्सप्रेस जाएगी यहाँ से, हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे पहुँच चुके हैं। कालका, कालका हम लोग जाने वाले हैं, तो यहाँ से हम दोबारा टिकट लेंगे शिमला के लिए। और देखते हैं यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर, हम लोग 1 पे पहुँच चुके हैं, आप देख सकते हैं रेलवे स्टेशन तो अच्छा है, देख सकते हैं इट्स नॉट बैड। और अगर आपको गर्मियों में कहीं भी घूमने जाना हो, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि कभी भी जीन में तो मत ही जाइए। मैंने जीन पहनी हुई भी देख सकते हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है। इसने लोअर पहना है, ये ठीक है। यहाँ पे आए समय मिल चुकी है ट्रेन, हम लोगों ने यहाँ से चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से कालका के लिए ट्रेन ली है और ट्रेन हमें मिल चुकी है। अभी हम जाएंगे सीधा कालका, कालका से वहाँ के लिए शिमला ट्रेन लेंगे, ठीक है। बाकी सब कुछ अच्छा है, आपको जल्दी मिल जाएगा ट्रेन का व्यू भी। हेलो गाइस, फाइनली हम लोग कालका स्टेशन पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं कितनी साथ ही साथ अभी 11 बज चुके हैं, टाइम हो गया है सुबह के 7 बज के हम लोग निकले हुए हैं, तो बस अब पहुंचने वाले हैं। ये गाड़ी भी लग चुकी है, हमें बस बैठना है अब जाके वहाँ पे, वो गाड़ी लग चुकी है आपको दिखाते हैं गाड़ी। ये देखिए स्टेशन, मुझे इतनी देख सकते हैं, मुझे गाड़ी है। हेलो गाइस, देख सकते हैं हमारी ट्रेन जो पहुंच चुकी है, ये जो ट्रेन है शिमला के लिए जाएगी, और हमारी ये हमारी सीट है, ये मेरा दोस्त है, देख सकते हैं, हेलो करो, ठीक है। ये आपको प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे मिल जाएगी, ठीक है। इसका जो चार्जेस है वो 50 रुपीज़ है चार्जेस इसका, तो जो सीधा आपको शिमला लेके जाएगी, कालका से सीधा शिमला जाएगी ये, और इसके इन्जॉयमेंट बहुत है। ये ट्रेन का सफ़र आपको पता ही है, बाकी आपसे मिलते हैं। गर्मी तो हो ही रही है बट इस इधर का मौसम बहुत अच्छा है, मज़ा आएगा आपको घूमने में। देख सकते हो आपको हम लोग जनरल डब्बे में रखे, जनरल डब्बे में रश बहुत ज़्यादा, देख सकते हैं आपको बहुत मुश्किल है, बट चलते समय नज़ारा भी आएगा ना, तो बहुत मज़ा आने वाला है।
गाइस बस अभी थोड़ी देर के लिए रुकी है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कितना रश हो रहा है। देखिए माहौल भी बहुत अच्छा है, आपको आगे का माहौल बताते हैं। बहुत जल्दी थक गए पूरी तरह से, बैठे बैठे दिक्कत हो जाती है ट्रेन में, बट अच्छा मज़ा आता है। पूरे पहाड़ों में से जब ट्रेन गुजरती है बहुत मज़ा आता है। जतोली अभी एक स्टेशन आगे ही आ जाएगा शिमला, शिमला का स्टेशन। और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा व्यू हो रहा है इस साइड पे, बहुत मतलब कि बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। ठंड सी लग रही है, आप लोग देख सकते हैं कितना एसी वगैरह है। इवेंट बहुत ठंड है, बहुत ठंड हो चुकी है इस टाइम पे, तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। कहीं जैकेट ना लेनी पड़े आगे जाके। ट्रेन में मज़ा आया बहुत, जब पहाड़ों में से गुजर के जाती हूँ ट्रेन बहुत। बस स्टैंड पे है, आप देख सकते हैं बहुत मस्त है, बहुत मज़ा आया हम लोग को। तो ट्रेन में सफ़र करना इतना बुरा नहीं है, लोग कहते हैं कि ट्रेन में सफ़र करना हो नहीं बुरा नहीं है मेरे हिसाब से, तो बट बहुत मज़ा। लोग जा रहे हैं अभी होटल में जो हमने पहले ही रिजर्वेशन करवा दी थी उसकी, तो हमने वो पहले ही टिकट बुक करा दिया था मतलब कि, और उसका इसलिए हमें थोड़ा सस्ते में पड़ गया है, 300 का पड़ गया 20 का। हाँ इसलिए ऑनलाइन रिजर्वेशन आपके लिए भी ठीक रहेगी अगर ऑनलाइन करवा लेते हो। बस थोड़ी देर में हम लोग होटल पहुंच जाएंगे, और एग्जिट से अभी हम एग्ज़िट हो रहे हैं, थोड़ी देर में होटल पहुँच जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं ये एग्ज़िट है। देखिए एग्ज़िट कितना अच्छा है, एग्जिट लग रहा है, इसका व्यू भी
सेकंड सी गाइस, आपको वहाँ से निकल के ना, वहाँ से पीछे निकल के ये आपका एग्जिट रहेगा, आपको एग्जिट करना है यहाँ से, ये बाहर के लिए एग्जिट होगा आपका। ओके, हम लोग वैसे बहुत टायर्ड हो चुके, थक चुके हैं बैठ बैठ के, हमारा ख़राब हो रहा है। बाकी हम लोग आपको दिखाते हैं होटल वगैरह का पूरा सिमला। आप बाहर एग्जिट निकलोगे तो आपको यहाँ से टैक्सी वगैरह मिल जाएगी, जो आराम से आप लोग कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा होटल है जो पास में ही है, इसलिए हम लोग ऐसे ही पैदल ही चले जाएंगे, एक किलोमीटर की दूरी पे है। ठीक है, और इसकी हालत तो वैसे ही टाइट हो चुकी लगता है, देख सकते हैं आप। ठीक है, तो हम लोग होटल जा रहे हैं हमसे कर। गाइस, आप लोग देख सकते हो मेरे पीछे पीछे सीने का व्यू कैसा लग रहा है। तो बस जाएंगे थोड़ी देर में होटल, मैं थक गया, इतनी सी ड्राइव करके थक गया, अभी तो और भी जाना है आगे। देखो, हम लोग नज़दीक होटल के पहुंच गए, आप लोग देख सकते हो उतराया, इसके उतने का बहुत लंबा है, टफ हो रहा है, उतने चढ़ाई इतना है। मतलब कि है बहुत जल्दी थक जाता है, थक जाता है यार, कोई थक जाता है, इसमें क्या है। आप देख सकते हैं, देखिए कहीं बहुत चढ़ा उतराई है, वहाँ जाके कहाँ पे है यार होटल, अभी तक हमें दिखा नहीं, गाड़ी आ रही है यार इधर, नहीं होटल बिना तो मुसीबत कहाँ आएगी, इधर कहीं देखेंगे होटल वगैरह को। तो बाकी आप तो देख ही सकते कितना अच्छा व्यू वगैरह है, सब ठीक है, मस्त है, मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। आपको होटल दिखाते हैं हम लोग अभी, चलिए आ जाइए। नहीं गाइस, हम लोग पहुँच चुके हैं ऐसा बोस ओसी होटल, अंदर जाके देखते हैं कैसा होता है। ठीक है, वो कि होटल तो ठीक है, बाकी पता चलेगा। ओसी वगैरह वैसे भी ठीक रहते हैं, बाकी आपको रूम दिखाते हैं, आ जाइए। तो गाइस देख सकते हैं हम लोग हॉस्टल में पहुंच चुके हैं, और ये हमारा रूम है, और देख सकते हैं हमने होटल में मतलब कि हॉस्टल में रूम लिया है, जिस हिसाब से हमें रूम मिले, देख सकते हैं बहुत ही अच्छा रूम वगैरह है इसका, सारा सिस्टम देखिए आप, बहुत ही अच्छा है, डेकोरेशन वगैरह सारी की है, ऊपर नीचे सारा आप कर सकते हैं, ऑनलाइन बुकिंग रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं इस होटल में, बहुत ही ठीक है, अच्छा लगा। बाकी आपको कल हम लोग बताएंगे, कल रहना बस। तो गाइस, हम लोग अभी होटल से फ्रेश वगैरह होके माल रोड घूमने के लिए जा रहे हैं, आज आपको रेस्ट बिल्कुल नहीं किया, फिर भी हम थके तो है, बट चलो फिर भी जाना तो पड़ेगा ही। तो हम लोग जा रहे हैं अपने माल रोड, आपको माल रोड के दर्शन करवाते हैं, शेयर करवाते हैं, चलो ठीक है। वैसे थक गए, ठंड वगैरह तो है, बट फिर भी चलते चलते बहुत गर्मी लग रही है, देख सकते हैं आप वेदर। तो ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ का व्यू, मतलब कि बहुत ज़्यादा धुंध है, आपको दिखाता हूँ। और वैसे भी थोड़ी सी मेरी बैटरी की प्रॉब्लम है, आज चार्जर मेरा थोड़ा डैमेज हो गया है, ठीक है, उसके लिए मैं चार्जर लगा के फिर मैं आपका बताता हूँ, ठीक है, जल्दी हम लोग मिलते हैं। ओके, दिन में तो इधर वैसे भी बहुत मजा आता है, दिन में तो ना लाइटिंग वगैरह होती है ना, बट रात का मजा है ना लाइटिंग का, वो अलग ही मजा है।
आप चाहे तो हो। हाँ हाँ व्यू तो बहुत मजा है। आप देखिए पब्लिक वगैरह मार्केटिंग पूरी चेक कर सकते हैं आप। हाँ मार्केटिंग सारा सेटअप हो रहा है। बहुत अच्छा व्यू आ रहा है चर्च का। आपने देख लिया है, आ जाओ हम आपको भी दिखा देते हैं एक बार। आ जाओ थोड़ी तोला व्यू दिखाता हूँ। देखिए पूरा का पूरा लाइटिंग व्यू, पूरा अच्छा व्यू आ रहा है। से तो और भी अच्छा दिखाई दे रहा है। इट्स लाइक हेवन। हेलो गाइस, चलो आपको हनुमान जी के दर्शन करवाते हैं हम लोग यहाँ से। वो देख कहाँ पे है हनुमान जी बैठे हुए दिख रहे हैं। जय बजरंग बली, हर हर महादेव। तो हम लोग वहाँ पे कल चलते हैं सुबह। अभी बहुत थक गए, कुछ खा के रूम में वापस जा रहे हैं। ठीक है, जल्दी हम लोग कल चलेंगे। आपको ब्लॉग कल मिलेगा।